Hello everyone. In this video today, I'll share a trick to remember the name of the countries which are passed by equator. So let's get started. At first, we have to know what is the equator. So what you think? Equator is a imaginary line that divides the entire globe into two parts. So northern part ko hum northern hemisphere kehte hain aur southern part ko southern hemisphere. So first we divide to remember the countries that are passed by equator more clearly. I divide these countries into three parts. So Western, Central or African countries and Eastern part. So Western part mein humko South America dekhne ko milega aur South America mein एक होगा इक्वेडोर कोलंबिया और ब्राजील. दीज आर द थ्री कंट्रीज दैट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब. सो दीज आर द थ्री कंट्रीज दैट यू फाउंड इन साउथ अमेरिका व्हिच आर पास्ड बाय इक्वेडोर. सो मूव ऑन टू द African countries. So यहाँ आपको साउथ में प्रिंसिपल करके यहाँ आपको एक आइलैंड देखने को मिल गया यहाँ पर. देन आपको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, युगांडा, केनिया एंड सोमालिया. सो इस मैप में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा. ये रहा, ये साउथ में प्रिंसिपल है. देन गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया एंड सोमालिया. सो दीज आर द कंट्रीज दैट आर लोकेटेड ऑन अफ्रीका. So in the eastern part, you see another three countries that are passed by equator. So here you see it is called Kiribati and it is Indonesia. This is Indonesia. Then you see Maldives. So these are the countries that lie along the equator. So now I'll share a trick so that you can remember these countries more easily. So in the western part we see there are three countries that lie in the South America, that are located in South America: Ecuador, Colombia एंड ब्राजील. सो इसको आप कैसे याद रखोगे? ECB, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील. अगर आप इसको रिवर्स में याद करना चाहते हो तो इसे BCE. तो आप बचपन में आपको मिलेगा, आपने शायद पढ़ा होगा बिफोर क्राइस्ट एरा. इसे आप ऐसे याद रख सकते हो. सो देन आपको अफ्रीका में कुछ कंट्रीज मिले थे लाइक गैबन, साउथ में प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, केनिया एंड सोमाली. सो इसे आप कैसे याद रखोगे? इसका ट्रिक है
जीएस जनरल स्टडीज, ऐसे याद रख सकते हो, जीएस मतलब गैबोन एंड साओ टोमे प्रिंसिपे। देन डक्स, डक मतलब क्या, बतख, डक्स, जीएस डक्स, डी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू मतलब युगांडा, सी मतलब रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, के फॉर केनिया एंड एस फॉर सोमाली। सो याद हो गया आपको। देन मूव ऑन टू द ईस्टर्न पार्ट, यू सी अनदर थ्री कंट्रीज लाइक किरीबती, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। इसे आप लाइक ऐसे याद रख सकते हो, KIM, के मतलब किरीबती, इम आई मतलब इंडोनेशिया, एम मतलब मालदीव्स, KIM किम किम। देन सो फर्स्ट होगा ECB, देन GS डक्स, देन किम। ओके सो आई थिंक यू गॉट द ट्रिक्स। सो अगर आपको याद हो गया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास? ब्राजील, जाम्बिया एंड मलेशिया, कोलंबिया, केनिया एंड इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान एंड मलेशिया, एंड वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना।